गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये पिछले अध्याय में हमने सामाजिक संरचना की चर्चा की, अब यहाँ सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था को पहले आप समझ लीजिए, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामाजिक संरचना बाहरी दिखावट है, जहाँ वहीं सामाजिक व्यवस्था आंतरिक और बाहरी दोनों को मिला करके एक व्यवस्था का निर्माण होता है। यानी अगर चमकने वाला सोना सचमुच में सोना है कि नहीं, ये बात सामाजिक व्यवस्था में पता चल जाती है, क्योंकि सामाजिक संरचना में सिर्फ बनावट दिखती है यानी संरचना दिखती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में संरचना और प्रकार जी दिखते हैं, यानी उसके काम भी दिखते हैं। सपोज कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा दिख रहा है पढ़ने लिखने वाला, लेकिन सही मानों में ये उसकी संरचना हुई, लेकिन सही मानों में वो पढ़ता लिखता है कि नहीं, ये बात जानना ये इस बात पे निर्भर करता है कि व्यवस्था कैसी है। जैसे परिवार तो बहुत अच्छा दिखता है किसी भी व्यक्ति को, बाहर से आएगा तो किसी के परिवार में जाएगा तो सब बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, दिख रहा है, लेकिन रियल में उन परिवारों में आपस में अनुशासन, स्टेटस और रोल, आपस में डिसिप्लिन कितना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्टर का एक्शन कैसा है, वो आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, वो कैसे एक दूसरे को सम्मान करते हैं एक दूसरे को। सपोज के किसी क्लास में आप जाएंगे, अजनबी क्लास में आप 10 अलग अलग कॉलेज में चले जाइए और क्लासरूम में चले जाइए, तो हर कॉलेज में क्लासरूम में बच्चे बड़े अच्छे लगेंगे आपको, लगेंगे आह हा क्या बात है पढ़ने लिखने वाले, लेकिन फर्क तो पड़ ही जाता है। किसी स्कूल का बच्चा काफी इंटेलिजेंट होता है और किसी स्कूल में बच्चे खत्म सिंह होते हैं, तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एक्शन कैसा है, उनका काम कैसा है, उनका सिस्टम कैसा है। बात समझ में आई होगी। और आपको एक बात बता दें, जॉनसन ने क्योंकि सामाजिक संरचना के अंग में जो है बात की थी, जॉनसन ने सामाजिक संरचना के दो स्तर की चर्चा की है, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम और फंक्शनल सब सिस्टम। समझिए, तो स्ट्रक्चरल सब सिस्टम में जॉनसन ने 4 पॉइंट की बात की, जो पहले बस जस्ट बता दे रहा हूँ, ग्रुप एंड सब ग्रुप, स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। और फंक्शनल सब सिस्टम में पार्सन्स द्वारा दिए गए 4 पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा जॉनसन ने की है। तो ये पीछे जो सामाजिक संरचना के बारे में बताया था उसके बारे में, तो आपको समझ में आ गया, सामाजिक संरचना वो है जो बाहर से दिखती है, सामाजिक व्यवस्था में दोनों बात है, बाहर और अंदर दोनों अच्छे से दिखनी चाहिए। सपोज कोई गाड़ी बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रही है लेकिन खराब है, अंदर से चल नहीं सकती, तो समझिए सिस्टम कैसा है, व्यवस्था कैसी है। लेकिन दूसरी तरफ कोई गाड़ी साधारण से दिख रही है लेकिन हजारों किलोमीटर चल सकती है, दोनों में फर्क समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया, ये भी आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि कोई घोड़ा जिसको आपने पाला है और खिलाया पिलाया है, वो सिर्फ खा पी के मस्तंडा हो गया है, चल नहीं सकता, लेकिन एक घोड़ा ऐसा है जो आपके लिए कभी भी तैयार रहता है। तो कहने का मतलब, सामाजिक संरचना बाहर से दिखती है और सामाजिक व्यवस्था आंतरिक और बाहरी दोनों व्यवस्था उनके कार्यों पर भी निर्भर करता है। तो जॉन्स है, मार्शल जॉन्स ने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था वो स्थिति है जिसमें कि समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में समग्र समाज के साथ एक अपूर्ण ढंग से संबंधित होती है। और टॉलकॉट पार्सन्स भी यही बात कहते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि जब समाज में क्रियाएं, यानी सोशल एक्शन कहते हैं, जब व्यक्ति एक्शन करता है यानी कोई काम करता है, काम करने के लिए क्या चाहिए, लक्ष्य और साधन चाहिए, ये कहते हैं टॉलकॉट पार्सन्स। सपोज आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस आपका लक्ष्य हुआ, अब आप जब पढ़ाई करेंगे तो वो आपका एक्शन हुआ। तो टॉलकॉट पार्सन्स कहते हैं जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है
और बहुत सारे व्यक्ति आपस में मिलके क्रिया करते हैं, सामाजिक क्रिया करते 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 इंटरेक्शन करते हैं। जैसे IAS बनने के क्रम में जब आप सैकड़ों विद्यार्थियों से, टीचर से इंटरेक्शन करेंगे तो एक सिस्टम का निर्माण होता है, उस इंटरेक्शन से सामाजिक क्रिया बनती है। आपस में अंतः क्रिया करने वाली एक से अधिक व्यक्तियों जो कर्ता आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इन अंतः क्रियाओं से, व्यवस्थाओं से जो है, जिस व्यवस्था को उत्पन्न करती है उसी को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। दुर्खी में भी स्वाभाविक तथा बाधक सिद्ध होने वाले तत्वों को सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक सामाजिक तत्वों को दुर्खिम ने सामाजिक तत्वों को सामाजिक व्यवस्था का आधारभूत अंग माना है। सामाजिक व्यवस्था उसी समय उत्पन्न होती है जबकि सामाजिक तत्व संतुलन हो जाए। समाज सोशल फैक्ट की बात करते हैं दुर्खिम। तो चलिए, सामाजिक व्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तो सामाजिक व्यवस्था में एक्चुअली कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सामाजिक व्यवस्था में देखिए क्या कहते हैं, एक विशिष्ट निर्माण भाग होता है, एक सांस्कृतिक व्यवस्था होती है, एक एक सामाजिक व्यवस्था होती है, एक व्यक्तित्व व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्था मिलकर के समाज की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। पार्सन्स का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू हो, अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति की प्रवृत्ति से प्रेरित एकाधिक व्यक्तिकर्ताओं की एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, और इन अंतःक्रियाओं में लगे हुए व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध उनकी परिस्थितियों के साथ संबद्ध सांस्कृतिक रूप से संरचित तथा स्वीकृत प्रतीकों की एक व्यवस्था द्वारा परिभाषित और मध्यस्थी होती है। तो ये टॉलकॉट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में इसका वर्णन किया। आपको बता दें टॉलकॉट पार्सन्स की पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में तथा टॉलकॉट पार्सन ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम जो 1951 में लिखी गई में इस बात का वर्णन किया है कि बहुत सारे एक्टर जब एक्टिंग करते हैं, यानी कर्ता जब अपना काम करते हैं, एक्शन करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं और वो क्रिया आपस में इंटर रिलेटेड होती है तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो सामाजिक व्यवस्था की विशेषता यह है कि सामाजिक व्यवस्था आपस में अंतःक्रिया करने वाले एकाधिक व्यक्तिकर्ताओं से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था विभिन्न तत्वों से परस्पर क्रमबद्ध व्यवस्था से मिलकर बनती है। तीसरा पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था में एक लक्ष्य होता है, लक्ष्योन्मुख होती है। चौथा पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था में एक सांस्कृतिक व्यवस्था होती है। पांचवा पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था का एक भौतिक पर्यावरण भी होता है। और बहुत सारी बातें आप समझ रहे हैं, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, ये सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये सब भौतिक पर्यावरण भी जरूरी है। और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तत्वों में एकता पाई जाती है, सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित होती है, ये सब पॉइंट है। आठवां पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था में समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत लक्ष्य भी अंतर्निहित होते हैं। जैसे स्वीकृत लक्ष्य का मतलब यह है कि समाज में आपको, आपसे उम्मीद करता है समाज कि आप पुलिस बने, आर्मी बने, IAS बने, PCS करें। आपसे समाज ये उम्मीद नहीं करता कि आप डाकू बने, आप चोर बने, उचक्का बने। तो स्वीकृत लक्ष्य होना चाहिए। और सामाजिक व्यवस्था में नेक्स्ट पॉइंट है नौवां, सामाजिक व्यवस्था में क्या कहते हैं, अनुकूलन होता है, अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन करने की क्षमता होती है। दसवां पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्था में संतुलन और क्रमबद्धता होती है। और सामाजिक व्यवस्था
व्यवस्थित होती है, सामाजिक व्यवस्था आपस में इंटर रिलेटेड होती है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। और प्रोफेसर चार्ल्स लूमिस ने सामाजिक व्यवस्था के 9 तत्व की चर्चा की है, 9 तत्व को, और आप लिख लीजिए। पहला है विश्वास और ज्ञान, दूसरा है भावनाएं सेंटिमेंट्स, तीसरा आवश्यकताएं, लक्ष्य और आदर्श, लक्ष्य और उद्देश्य, चौथा है आदर्श नियम नॉर्म्स, पांचवा है परिस्थिति स्टेटस, छठा है भूमिका रोल, सातवां है सत्ता अथॉरिटी, आठवां है मान्यताएं सैंक्शन, और नौवां है सुविधाएं। ये सारी चीज मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करती, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। और पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था को समझे बिना सामाजिक व्यवस्था को तो समझा ही नहीं जा सकता। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक तत्व माने हैं। सबसे पहले पार्सन्स कहते हैं कि समाज में अनेक व्यक्तिक क्रिया होना चाहिए, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया। और दूसरे में पार्सन्स कहते हैं लक्ष्य, दूसरे पॉइंट में, और तीसरे पॉइंट में पार्सन्स कहते हैं परिस्थिति, यानी जब तक कर्ता नहीं होगा। पहला पॉइंट है कर्ता, दूसरा है लक्ष्य, और तीसरा है परिस्थिति। कर्ता नहीं होगा और परिस्थिति नहीं होगी, लक्ष्य नहीं होगा तो सामाजिक क्रिया नहीं होगा, ये पार्सन्स का कहना है। जैसे आप कर्ता हैं और आप कुछ बनना चाहते हैं, वो आपका लक्ष्य है, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस करना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है, और आप एक्टर हो गए, कर्ता हो गए, और आपकी परिस्थितियां होती है यानी साधन, आपके पास हालात कैसे हैं, ये सिचुएशन है, इन परिस्थिति, और तब जाकर के आपके पास आगे बोलते हैं नॉर्म्स होता है, प्रतिमान, एक नियम से आईएएस बनना है ना, एक नियम से आर्मी की तैयारी करेंगे पुलिस की, फिर आपके पास एक मूल्य होता है वैल्यू, वैल्यू का मतलब आप उस वैल्यू को बना के चलते हैं कि उस एग्जाम में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, ये आपका वैल्यू है। ये सारे पॉइंट जब एक साथ एकत्रित होंगे तो सामाजिक क्रिया होगी, और हर व्यक्ति जब सामाजिक क्रिया करेगा पूरे समाज का, पिताजी अपना काम करेंगे, बेटा जी अपना काम करेंगे, बेटी अपना काम करेगी, और भाई अपना काम करेंगे, मौसा अपना काम करेंगे, टीचर अपना काम करेंगे, डॉक्टर अपना एक्टिंग करेंगे, एक्टर एक्शन, ये सब अपना अपना सोशल एक्शन करते करते जब ये एक इंटर रिलेटेड हो जाएगा, स्कूल कॉलेज के टीचर प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था आर्मी, ये सारा व्यवस्था, सारे एक एक व्यक्ति जब क्रिया करता है ये सब एक दूसरे से संबंधित होगा, तो पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। तो पार्सन्स के अनुसार के व्यवस्था के 3 भाग हैं, व्यक्तिक कर्ता और क्रिया व्यवस्था, और तीसरा सांस्कृतिक प्रतिमान, ये पार्सन्स कहते हैं। और अब हम बताएं पार्सन्स से एक और खास बात कहते हैं, पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बने रहने के लिए, ये थ्योरी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस पीसीएस की, तो देखिए पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बने रहने के लिए 4 पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत है, और 4 पूर्व आवश्यकताओं को वो एजिल मॉडल से समझाते हैं, AGIL। ए का मतलब एडेप्टेशन का यानी अनुकूलन, जी का मतलब गोल, गोल का मतलब लक्ष्य, आई का मतलब इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, एल का मतलब होता है लेटेंसी। मतलब इसका ये हुआ कि समाज में एडेप्टेशन जरूरी है, गोल जरूरी है, इंटीग्रेशन जरूरी है, और लेटेंसी जरूरी है उस समाज को बने रहने के लिए, यानी किसी भी समाज को बने रहने के लिए अनुकूलन जरूरी है, उस समाज में लक्ष्य जरूरी है, और एकीकरण जरूरी है, सब लोग एकीकृत हो, और लेटेंसी जरूरी है। लेकिन ये आएगा कहाँ से ये चारों, इसके लिए पार्सन्स कहते हैं एडेप्टेशन आएगा इकोनॉमिक सिस्टम से, आर्थिक व्यवस्था से,
और लक्ष्य आएगा राजनीतिक व्यवस्था से, और इंटीग्रेशन आएगा सोशल सिस्टम से, सामाजिक व्यवस्था से, और लेटेंसी आएगा वैल्यू से। यानी वो चार पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा करते हैं और उसकी पूर्ति बोलते हैं चार व्यवस्था करती है, यानी एजिल, एजिल यानी एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। अनुकूलन एडेप्टेशन की पूर्ति आर्थिक व्यवस्था से होती है, गोल की पूर्ति पॉलिटी से होती है, इंटीग्रेशन की पूर्ति सोशल सिस्टम से होती है और लेटेंसी की पूर्ति वैल्यू से होती है। यानी चार व्यवस्थाएं समाज में होती है, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था। ये चार व्यवस्था चार काम करती है। तो चार व्यवस्था चार काम क्या करती है? आर्थिक व्यवस्था अनुकूलन का काम करती है, राजनीतिक व्यवस्था लक्ष्य बनाती है, सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे को जोड़ती है और मूल्य व्यवस्था लेटेंसी का काम, लेटेंसी का मतलब टेंशन मैनेजमेंट, तनाव मुक्ति का काम करती है। तो ये रहा कुल मिला के सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था बड़े विशद रूप में। इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।